स्वागत है आपका WHG की एक और वीडियो में, और आज की दूसरी वीडियो रहने वाली, तो इसे शुरू में OTC यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, या फिर कह सकते हैं ओनली ट्राइबल चीफ के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम इस घंटे की मतलब बिगेस्ट न्यूज के साथ। आज की स्मैकडाउन के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को नोटिस किया, जैसे कि रोमन रेंस की वापसी, जेकब फाटू से उनका फेस ऑफ, देन मेन इवेंट में दोस्तों हम लोगों को एक टैग टीम मैच भी कन्फर्म होते हुए नजर आया। लेकिन एक चीज जो हमसे छूट गई है वो है गाइस व्हाइट सिक्स का टीज। यस गाइस, व्हाइट सिक्स का भी टीज हम लोगों को स्मैकडाउन में देखने को मिला। कहां देखने को मिलता है? जहां दोस्तों निक एल्डिस बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं मेन इवेंट की, ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस अपना रिएक्शन जो है वो मेन इवेंट में देगा, वहीं निक एल्डिस के पीछे हम लोगों को व्हाइट सिक्स का लोगो देखने को मिला। यस गाइस, व्हाइट सिक्स को टीज कर दिया गया है इस बारी की स्मैकडाउन में। ये जो स्मैकडाउन थी USA नेटवर्क से थी लाइव, और गाइस USA नेटवर्क से ही रॉ भी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें आगे जाकर देखने को मिल सकती है व्हाइट सिक्स इन्वेड करते हुए फ्राइडे नाइट्स को। और गाइज इसका ईस्टर एग आज ही गिरा दिया गया है। हम बात कर लेते हैं लोगोस की, तो जब हमने बात की है लोगों की यानी कि व्हाइट सिक्स के लोगों की, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा स्मैकडाउन का लोगो भी लॉन्च हो चुका है। आपने देखा भी होगा सुबह वीडियो में, हमने इसे डिस्कस भी किया था। लेकिन इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, तो बताया जा रहा दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ग्राफिक है, लोगो है स्मैकडाउन का, लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड गाइज बहुत अच्छा रिएक्शन इसे सोशल मीडिया के ऊपर भी मिल रहा है। एक चीज जो कि मिसिंग रही आज की स्मैकडाउन से वो था नया स्टेज। शायद से दोस्तों अभी नया स्टेज बनकर रेडी नहीं हुआ है और इसीलिए द गेम ट्रिपल एच अभी नहीं लाए हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से हम लोगों को नए स्टेज देखने को मिलेंगे रॉयल स्मैकडाउन की तरफ से। दोनों की तरफ से दोस्तों हमें नए स्टेज देखने को मिलेंगे। अभी के लिए हमें दोस्तों बस इस नए लोगों से संतुष्ट करना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारे जुड़े डेमियन प्रिस्ट से। तो हमने डेमियन प्रिस्ट को कवर नहीं किया सुबह वाली वीडियो में, हमसे छूट गया। लेकिन गाइस वहाँ बहुत सारे लेजेंड्स आ रखे थे, जैसे कि बुकर टी थे वहाँ, रॉब वैन डैम थे, इवन दोस्तों विक्की गरेरो को भी लाया गया वापस, इससे पहले AEW में थी। कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो थे हम लोगों को वहाँ रोस्टर में WWE यूनिवर्स में बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन गाइज एक शख्स और था, पूरे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रिस्ट भी अवेलेबल था दोस्तों, वहाँ रोस्टर में बैठे हुए थे दोस्तों वो। और गाइज इन्होंने क्या किया स्मैकडाउन खत्म होने के बाद, ये शेमस के साथ दारू पीने गए हैं। तस्वीर साझा करता हूँ आपके साथ, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये तस्वीर शेमस ने ही डाली है। कुल मिलाकर ये चीज़ तो साफ है कि शेमस एंड डेमियन बहुत अच्छे दोस्त हैं। और गाइस कहीं ना कहीं जब से डेमियन फेस में कन्वर्ट हुए हैं, वो खुद को ज़्यादा अच्छे से लोगों के साथ दिखा पा रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि वो खुद को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वेल बात कर ली जाए अब इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के नेक्स्ट प्लान से। तो गाइस WWE वालों का नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है, खासकर टैग टीम डिवीजन से जुड़ा हुआ। तो मैंने आपको अभी से लगभग 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि जो रे फिनिक्स एंड पेंटागन जूनियर है वो गाइस WWE में आ सकते हैं, लूचा ब्रोस WWE में आ सकते हैं। अब इनके ऊपर भी अपडेट आ चुकी है गाइस, हो सकता है कि हमें फ्रेंड्स स्मैकडाउन में ही ये दोनों देखने को मिले। क्या करके बताया जा रहा है कि इन्हें डायरेक्ट मेन रोस्टर में डाला जाना वाला है, द गेम ट्रिपल एच दोस्तों इन्हें NXT में नहीं डालने वाले हैं। ये चीज़ दोस्तों थोड़ी सी अटपटी भी है, क्योंकि मोटर सिटी मशीन गन जैसी तगड़ी टीम को तो वो डाल रहे हैं NXT में, लेकिन इन दोनों को शायद से वो स्मैकडाउन या फिर रॉ में डालने वाले हैं। लेकिन जो भी है दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, हमें जल्द ये दोनों भी कंपनी में आते हुए डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने से। तो स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं फास्ट। तो गाइज आपने किस तरीके से स्मैकडाउन की एंडिंग देखी, आपने और हमने सबने इस तरीके से देखी कि गाइज वहां रोमन रेंस एंड कोडी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर डालते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट था उस मैच का जो कि अब बैड ब्लड में होने वाला है, बिटवीन सोलो एंड जेकब फाटू टीम और रोमन रेंस एंड कोडी की टीम। तो गाइज उसके बाद होता यह है कि गाइज रोमन रेंस उंगली करके कुछ कहते हैं, दरअसल वो शायद ये चीज़ कह रहे थे कि वो सिर्फ इस मैच के लिए उनके साथ है, जिसके बाद कैमरा जाता है दोस्तों वहाँ ठामा ठोंगा के ऊपर, जिन्हें एक फैन ने हाथ देकर उठाया। जेकब दोस्तों वही नमस्ते कर रहा था, वही हाथ जोड़ रहा था सोलो के सामने, और इस तरीके से हम लोगों को ऑफ एयर खत्म होते हुए नजर आया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी ध्यान देने वाली, कि जो कोडी थे ना वो जाते हुए फैन से हाथ वाथ मिलाए, लेकिन रोमन रेंस ने ऐसा नहीं किया। तो रोमन रेंस पर बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में कि क्या वो हील है या फिर फेस, तो
मेरा पर्सनल बिलीव है रोमन रेंस 200 हील ही है, बट चूंकि इस वक्त सोलो जो है वो बिगर हील है उनसे, तो यहां दोस्तों वो खुद को एज ए बेबी फेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि रोमन रेंस के एटीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं आया है, बजाय इसके दोस्तों वो बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं जैसे कि अंडरटेकर होते थे ना पास्ट में, अंडरटेकर न्यूट्रल सुपरस्टार, बस वैसे दोस्तों रोमन रेंस है इस वक्त। रोमन रेंस दोस्तों एक गुड गाय है विद अ बैड एटीट्यूड। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए जेकब फाटू की, तो रिक्की शी ने जेकब फाटू के ऊपर कमेंट किया है स्मैकडाउन खत्म होने के बाद, वो आपको बताना चाहूंगा क्या चीज वो कहे हैं। वो लिखे हैं कि उन्हें जेकब फाटू की तरफ से और ज्यादा ड्रामा देखना है। तो जेकब फाटू दोस्तों थोड़े से ड्रामेटिक हो रहे हैं, आप कुछ समय से देख रहे हैं दोस्तों, काफी ज्यादा डोमिनेशन मचा रहे हैं, और कुल मिलाकर दोस्तों आज भी उन्होंने कुछ वैसा ही किया जहां रोमन रेंस की एंट्रेंस पे वो बाहर चले जाते हैं और फिर अंदर घुसाते हैं, तो ये ड्रामा नहीं तो और क्या था। और रिक्की शी के अनुसार उन्हें ऐसा ही ड्रामा देखना है। कहीं ना कहीं दोस्तों रिक्की शी चाहते भी है कि जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस हो, लेकिन गाइज अभी के लिए उनका बेटा आगे हो रहा है, यानी कि सोलो सिका जो कि जेकब फाटू आगे नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ रिक्की शी के अनुसार अभी और ज़्यादा ड्रामा वो देखना पसंद करेंगे। वाल दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने मोटर सिटी मशीन गन से। तो गाइज हमने अभी अभी डिस्कस किया मोटर सिटी मशीन गन को, क्या करके बताया जा रहा है कि गाइज इनके जो मर्च है वो बनने के लिए जा चुके हैं, लोगोज मर्च जो भी है दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन के वो बनने के लिए जा चुके हैं। तो गाइज एनएक्सटी के अंदर ये उद्दम मचाने आने वाले हैं, काफ़ी तगड़ी टैग टीम है, देखेंगे दोस्तों क्या कुछ करते हैं। वेल जब बात लग रही है दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू की और गाइज इस समय की, तो गाइज इस समय एक और बंदे का डेब्यू काफ़ी ज़्यादा रूमर हो चुका है, जो कि आप सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका हूँ इस पर्टिकुलर न्यूज़ को सुनने के साथ ही। तो क्या करके बताया जा रहा है, WWE ने एक नई डील साइन कर दी है अरमांडो के साथ। अरमांडो कौन है आपको हल्का सा बता देता हूँ, अभी से कई साल पहले जब रूथलेस एग्रेशन एरा थी, जॉन सिना की एरा थी ना, तो वहाँ ओमागा के साथ, तो ओमागा के साथ दोस्तों एक बंदा आता था जो कि उनका मैनेजर रहता था, उसका नाम दोस्तों अरमांडो था, और अरमांडो को डब्ल्यू वालों ने लेजेंड्स डील में डाल दिया। अरमांडो कोई हाउस होल्ड नेम नहीं है, ना ही दोस्तों कोई ऐसा बंदा है जिसे हम कह सके कि हॉल ऑफ फेमर एंड ऑल, वो जस्ट ए मैनेजर है, लेकिन अगर उसे लेजेंड्स डील में डाला गया है किसी भी तरीके से डब्ल्यू वालों से पे आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स दोस्तों उसे वापस लाया जाने वाला है। और गाइज आप रख के चलिए कि जहाँ रोमन रेंस को मैनेजर के तौर पर मिलेंगे पॉल हेमन वापस, वहीं गाइज जो हमारे अपने सोलो सिका है उन्हें ये बंदा मैनेज कर सकता है। तो सोलो सिका को अरमांडो मिलने वाले हैं, जो कि एक टाइम पर ओमागा के मैनेजर होते थे। तो काफ़ी ह्यूज अपडेट है गाइज, काफ़ी तगड़ी अपडेट है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब सबसे तगड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को मिलने वाली हेट से। तो दोनों को इस वक्त हेट मिल रही है, एग्जैक्टली कहूँ तो दोनों को नहीं बल्कि गाइज इन दोनों की टीम बनाने वाले को भी हेट मिल रही है। तो आप जानते हैं ओवरऑल दोस्तों जो रोमन एंड कोडी है इनकी कितनी तगड़ी राइवलरी थी, बीते कुछ एक सालों में दोस्तों हमने देखा किस तरीके से रोमन सबसे पहले कोडी को रेसलमेनिया में हरा देते हैं, फिर कोडी फिर से वही शुरुआत करते हैं, रॉयल रंबल जीतते हैं, रेसलमेनिया में फाइट देते हैं, इस साल रोमन को हराते हैं और अब ये दोस्त बन गए, लिटरली दोस्तों अब ये दोस्त बन गए। तो इस पर मैं आपको कुछ एक रिएक्शंस दिखाऊंगा लोगों के जो कि ट्वीट करके ये चीज़ कह रहे हैं ये क्या कर दिया, और फिर मैं अपनी टिप्पणी भी करूंगा। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों ये बंदा कह रहा है कि ये काफ़ी टेरिबल WWE की स्टोरी लाइन है, कोई कह रहा है कि ट्रिपल एच पगला चुके हैं। वेल अब इस पर मेरा क्या सोचना है, क्या यहाँ कोडी रोमन का एक साथ होना सही है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको फास्ट बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, रोमन एंड कोडी परम दुश्मन है, ऐसे वैसे दुश्मन नहीं है। रोमन रेंस लंबे टाइम तक चैंपियन रहते हैं और फिर उन्हें डीथ्रोन करते हैं कोडी, और गाइज कुछ एक महीने बाद अब जब रोमन रेंस लौट रहे हैं तो सबसे पहले तो कोडी मना करते हैं स्मैकडाउन में कि वो मर जाएंगे लेकिन वो रोमन रेंस के साथ ब्लड लाइन बिजनेस का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन जब रोमन रेंस ये चीज़ कहते हैं कि ये उनकी WWE है तो कोडी भगते हुए वहाँ आ जाते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंस जो कि ये चीज़ कह रहे होते हैं कि वो
कोडी की जरूरत नहीं समझते हैं, वो उनके साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते सोलो से। जैसे उन्होंने देखा कि उन पर नंबर्स भारी पड़ रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो दोनों ही दोस्तों काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से यहाँ रिएक्ट किए, लेकिन गाइस अजीबोगरीब पूरी की पूरी स्टोरी लाइन है और इन दोनों को हेट नहीं मिलनी चाहिए। हेट मिलनी चाहिए दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच को बुक करने वाले को, वो ट्रिपल एच या फिर कोई और, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, बैड ब्लड में दोस्तों ये जो मैच होने वाला है काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही तरफ देखेंगे काफ़ी तगड़े तगड़े सुपरस्टार है। जेका फाटू भी काफ़ी ओवर पावर्ड है, सोलो भी अच्छा खासा लड़ लेते हैं। और रोमन एंड कोडी की बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि इन्हें सोलो और जेका हरा सकते हैं। अगर कोई बड़ी इंटरफेरेंस होती है तभी दोस्तों हार सकते हैं वहाँ। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ रोमन एंड कोडी की टीम बनाकर डब्ल्यू वालों ने काफ़ी अटपटा सा डिसीजन लिया। इस पर आप क्या टिप्पणी कीजिएगा मैं देखना चाहूँगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको पसंद आया। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शबक है।